good morning guys, this is Informer, your host Anugrah, welcomes you all in my another vlog. So, आज अपन एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे जा रहे हैं. दिस इज़ दी फतेह सागर लेक एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बड़ी लेक. बट बड़ी आज की डेस्टिनेशन नहीं है. आज की डेस्टिनेशन एक बहुत ही अलग सी मस्त धासू सी जगह है. तो अभी आपने जो बी रोल्स जो देखे, आप मेरे को बताना कि आपको ये बी रोल कैसे लगे, ताकि मैं आगे और ऐसे ही बी रोल्स आपके लिए बना सकूँ. और सॉरी, मैं टाइम एंड डेट बताना भूल गया. तो आज है 5th of April 2021 एंड द टाइम इज 7:01 AM. सो अभी अपन एक बहुत ही, जैसे मैंने बोला, कि मस्त धासू सी जगह पे जा रहे हैं. एंड रिवील तो मैं उधर जाके करूँगा कि अपन किधर जा रहे हैं. तो वैसे मैं बता दूँ, इस डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए कॉमन जो है वो है आपका ओबेश्वर जी. ओबेश्वर जी से आगे ये पड़ता है. अब मैंने इतना तो बता ही दिया है, अगर अभी आप वीडियो पॉज करके अगर गूगल मैप्स पे अगर आप देखोगे तो देख लीजिए. वैसे मैंने इस जगह का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है. तो जस्ट यू हैव टू टैब ऑन इट एंड यू आर गुड टू गो. तो ये सीरीज़ ऐसी है कि वी आर एक्सप्लोरिंग दोस प्लेसेस जो कि अभी तक आपने कहीं पर भी देखी नहीं होगी, क्योंकि ये सारी जगह मतलब आपको आसानी से देखने को नहीं मिलती हैं. मतलब आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी इन जगहों की. ये सिर्फ मेरे चैनल पे ही फीचराइज हो रही हैं. और अभी अपन ने एक बहुत ही मस्त धासू एक प्लान आउट करा है. तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ अपन इस जगह पर जाएं और एक अच्छी बड़ी ट्रिप होगी वो भी. तो स्टे ट्यून्ड. और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब. एनीवेज, सो लुक एट द ब्यूटी गाइड. अभी तो खैर वैसे आप मुझे बताना कि आपको रास्ता कैसा लगा. एंड दिस इज द व्यू. वाओ, मतलब सुबह सुबह राइड पे निकलने का यही एक मज़ा है कि आपको व्यूज इतने प्यारे मिलेंगे. वो वो अभी इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स बनाने के. ये स्पीड ब्रेकर्स वही है कि मतलब है ना, अगर आप बिरयानी खा रहे हो और आपके मुंह में एकदम से काली मिर्च या लौंग आ जाए, मतलब ये स्पीड ब्रेकर ऐसा लगते हैं मेरे को, इतने गंदे लगते हैं. अभी अपन आ गए हैं बड़ी एंड लुक एट द ब्यूटी गाइस, लुक एट द ब्यूटी, जस्ट लुक एट इट. यहाँ पे थोड़ा सा रुक करके अपन एक जस्ट लुक एट द ब्यूटी गाइस. वैसे बारिश के टाइम पे आप ये जो छोटी सी जो ये दीवार जो देख रहे हैं, ये यहाँ से मतलब एक झरना बहता है जो कि पहाड़ों का फ्रेश वाटर होता है वो. एंड दिस ब्यूटी गाइस, दिस ब्यूटी, जस्ट लुक एट द ब्यूटी. तो बेसिकली जब JS फिल्म जब यहाँ पे आए थे तो वहाँ पे वो दैट इज़ द बाहुबली हिल्स. तो बाहुबली हिल्स से वो गए थे. एंड अब यहाँ से अपन मुड़ेंगे राइट में. वैसे ये वाला जो टर्न है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस टर्न. ये देखिए, इसलिए मैं डेंजरस बोल रहा था. अभी ये था नहीं, अभी ये लॉकडाउन के अंदर कुछ ना कुछ गोचा कोची हुई है ये चीज़. ये गोचा कोची भी नहीं बोल सकते. यहाँ पे अब रोड डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो उस वजह से यहाँ पे ऐसी ही रोड अब आपको देखने को आगे मिलेगी. अब मैं दुआ करता हूँ कि मेरे आगे कोई व्हीकल ना हो, क्योंकि मैंने स्केलेटन माउंट पे मेरा कैमरा मैंने लगा रखा है तो लेंस को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी.
अभी अपने को और ऊपर जाना है। एक बार यहाँ से भी एक नजारा देख लीजिए। अपन ठेठ वहां पे थे और अब अपन यहाँ पे आए हैं। तो ये ओबेश्वर जी का रास्ता ये रहा, यहाँ से आप राइट चले गई और ओबेश्वर जी ये रहा आ गया, और अपने को जाना है सीधा लेफ्ट। तो यहाँ से अब अपन लेफ्ट में चल रहे हैं, 15 किलोमीटर और है। और ये यहाँ से इतना भर करके जाते हैं। ओ वाओ 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 वाओ, आई मीन ब्रो, एक मिनट ब्रो, ब्रो के चक्कर में मैं कहीं नीचे ना उतर जाऊँ। और कितना दूर है, 10 किलोमीटर अभी तक हुए नहीं क्या? एंड ऑलमोस्ट इट्स 8 राइट नाउ, द टाइम इज 7:58 और अभी अपन देवास तक पहुंचे हैं। एंड कितना और चलना है, आते टाइम गूगल करेंगे ताकि अपन थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाए। बहुत ही ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो आई थिंक अब मेरे को लैपटॉप से ही डायरेक्ट एडिट करना पड़ेगा। भैया कुछ बता रहे हैं। हाँ, तो ये हाँ, और अगर आपको डैम देखना है तो अंदर गांव में होके फिर जाना पड़ेगा, ये ऑफिस से वहाँ तक जाएगा। अच्छा, नहीं मेरे को तो डैम देखना है। देखना है ना? हाँ, तो आप तो उधर से बंद होगा रास्ता। अच्छा, ऑफिस भी जाओ, सीधा जाऊँ?
भैया ने बताया कि जो पीछे जो रास्ता जो था वो ऑफिस के लिए, डैम के ऑफिस के लिए जाता है, मगर अगर आपको देखना है मानसी वकाल वाकला तो उसके लिए आपको गांव के अंदर से होता हुआ जाना पड़ेगा। डैम का रास्ता मिल जाएगा, 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से के सीधा आप सीधे जाना। हाँ। और फिर जहाँ ये मुड़ रहा है ना, हाँ, जाना। हाँ। फिर आपको डैम नजर आ जाएगा। अच्छा। और अगर ऑफिस देखना हो तो मैंने जो रास्ता बताया ना, हाँ। और वहाँ पे सबको अलाउ नहीं करते हैं। नहीं नहीं, मेरे को तो वैसे ही देखना है खाली। तो आप इधर से जाइए। ठीक है, थैंक यू भैया। तो अपने को यहीं से निकलना था। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। नहीं है वो, मगर बहुत सूख गया है लेक, मतलब हाँ। पता ही नहीं हो तो जैसा कि आपने देखा अभी रास्ता बहुत ही कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा, जैसा गूगल ने बताया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि दो रास्ते जाते हैं। अगर आपको डैम के ऑफिसर्स से अगर आपको मिलना है, मतलब जो इसके निर्माण में या जो इसमें जो काम जो करते हैं उनसे अगर आपको मिलना है, तो उनके ऑफिस का रास्ता एक अलग है। और यहाँ पे अगर आपको एज अ टूरिस्ट अगर विजिट करना है तो उसका रास्ता ये है, जो कि अभी आपने देखा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इधर उधर थोड़ा सा हुआ, लेकिन एक अंकल ने मेरे को अच्छे से बता दिया था। और वैसे आप ये देख रहे हैं अभी यहाँ पे पानी बहुत तो नहीं कह सकते हैं, मगर हाँ सूख गया है थोड़ा। तो अभी अपन वापस से इधर, हो सकता है कि मानसून में वापस से आए, तो मानसून के अंदर अपन इधर देखते हैं कि इधर कैसा क्या है। और बाकी व्यू आप देख लीजिए, व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा होगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और मॉर्निंग राइड थी तो ऑलमोस्ट मैं कह सकते हैं कि, एक मिनट देख ही लेते हैं कितना है। तो गाइस देख लीजिए, तो 58 किलोमीटर अपन आ चुके हैं मेरे घर से। और बाकी आप ये देख लीजिए, ये ऐसा व्यू है। तो अभी इस व्लॉग के लिए, व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड नहीं करूँगा, घर पे आपसे मिलता हूँ। अभी मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि मेरे को घर पे अभी थोड़े से काम भी हैं। मैं घर पे जा कर के इस व्लॉग को मैं एंड करूँगा। तो अभी गाइस जैसा आपने देखा कि मैं डायरेक्ट आपको घर पे चल करके आ गया, तो बेसिकली वहाँ पे कुछ ज़्यादा बताने का था नहीं और रास्ता भी थोड़ा सा लंबा था, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा मतलब बताया नहीं, क्योंकि सेम रास्ता बताने से कोई फ़ायदा नहीं था। अब
मैं आपको अपने रूम के अंदर लेकर के इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को आपको ये सेटअप दिखाना था। तो आप लोग मेरे को बताना कि आपको ये सेटअप कैसा लग रहा है। और अब धीरे धीरे करते करते मैं इस रूम को एक स्टूडियो रूम में कन्वर्ट करने का सोच रहा हूँ। तो अब आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपको व्लॉग्स इधर के भी देखने को मिल जाएं। तो अगर आपने इस व्लॉग को यहाँ तक देख लिया है और आपको मेरा जो अनसीन उदयपुर का जो सीरीज़ है वो आपको देखना अगर अच्छा लग रहा है, और अगर आपने अभी तक मेरे को मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आने वाले टाइम में मैं एक अच्छी राइड भी प्लान कर रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग देन गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट डाउन मी बिलो कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उस जगह का मैंने लिंक दे दिया है, सो गो एंड चेक इट आउट अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो। एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।